एंड जी हाँ यहाँ पे फाइट चालू हो चुकी है मोटर हो चुके हैं सोल की एक खराब शुरुआत है वाइपर आखिरी प्ले बचे हैं एंड वाइपर रिट्रीट करने में कामयाब हो चुके हैं अर्ली गन फाइट का यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान देखना पड़ रहा है आई थिंक वाइपर इज द लास्ट मैन सेंडिंग एंड वाइपर आपको रिट्रीट करते हुए भी नजर आ सकते हैं बट वाइपर इज नॉट रिटेंटिंग राइट नाउ वाइपर इज लुकिंग टू फाइंड यू नो ढूंढने की कोशिश करेंगे मोटर को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे यहां से आगे जाना बहुत जरूरी है सोल का यहां से बच के निकलना बहुत जरूरी रहेगा सोल के लिए क्योंकि पॉइंट्स टेबल में 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 अभी भी टॉप टॉप है टेन में जब तक हैं, बहुत है बहुत क्लोज मैच है टॉप टेन के अगर आप पीछे जाते हैं तो शो थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आगे आने वाले दिनों में एंड वाइपर आए हैं मोटर को उन्होंने रिवाइव दिया है पीटीसी अगर यहाँ पे अटैक करता है तो काफी ज्यादा प्रेशर में डाल सकता है आई थिंक सोल के लिए यहाँ से रिटीट लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रेगल्ट उसको खो दिया है बट अभी भी आई थिंक रिटेबल का ऑप्शन बनता है सोल के पास मुकाबला काफी कड़ा है पीटीजी यहां पे अगर अटैक करता तो शायद खत्म भी कर देता बट आई थिंक पीटीजी ने भी डिफेंड करना ज्यादा पसंद करा बट डेनी एफब्ल्यू आप रोटेशन देख सकते हैं पीटीजी की अगर फॉर्मेशन देखेंगे तो एक विंगड फॉर्मेशन उन्होंने बना लिया है डैनी राइट हैंड साइड से जा रहे हैं एंड दो प्लेयर्स आई थिंक प्लूटो और लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं मॉटल पोजिशन तो ले चुके हैं उनके पास आई थिंक बैंडेजेस और ड्रिंक्स है सिर्फ काफी मुश्किल होने वाला है यहां पे मॉटल का सर्वाइव करना नो you पीटीजी know, अगर यहाँ पे सोल को खत्म कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा ऑपसेट रहेगा और पीटीजी आई थिंक एक बहुत ही कमाल की टीम है बट एट द सेम टाइम दिस फाइट इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल मोटल बिल्कुल तैयार है टीपीपी लेते हुए अगर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और वाइपर उधर से डैनी एफ को नॉक करते हैं करते हैं अब मुकाबला हो चुका है बराबरी का थ्री वी थ्री की सिचुएशन यहां पर आ चुके आई थिंक पीटीजी ने एक ट्रिक मिस करी अगर जब आपने नॉक कर दिए थे दो प्लेयर तीन प्लेयर तो आपको रश करना चाहिए था आई थिंक पीटीसी ने यहाँ पर एक गलती करी और पीटीजी को यह गलती थोड़ी सी भारी पड़ सकती है क्योंकि अगर एक और प्लेयर यहाँ पे नॉक फिनिश होता है तो मुश्किल काफी हो जाएगी मॉडल ने भी यहाँ पे कॉल दे दी बट वाइपर जो यू नो सपोर्टिंग रोल वाइपर निभाते हैं एंड वो सपोर्टिंग रोल इतना बेहतरीन तरीके से निभाए जा रहे हैं और बबलू ने भी यहाँ पे नौकर दिया पीटीसी जो अच्छी शुरुआत करी थी आई थिंक सीधा सीधा शुरुआत को बैकवर्ड पर लेके जा चुकी है मॉडल अब यहाँ पे देखे हैं बबलू के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआत ई कैंट बिलीव माई पीडीसी वट है मोटल के सामने यहाँ पे बी डी के प्लेयर करते हैं मोटल पीछे जाते हैं टीपी भी लेंगे हेल्थ काफी कम है मोटल की अगर नॉक होते हैं तो फिनिश होते हुए नजर आ सकते हैं बट मोटल इज स्मार्ट एफ टू वी टू स्मार्ट राइट नाउ वापिस गए

एंड कभी भी आपको पीटीसी हेलमेंट होता हो दिख जाएगा आई थिंक पीटीसी थोड़ा सा नर्व थे थोड़ा सा प्रेशर में खेल रहे थे एंड उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा बेहद ही शानदार पीक और खत्म हो सकते हैं बबलू खत्म होते हैं तो सोल भी बैकफुट पर जा सकता है बट नहीं बबलू को बचा लिया जाएगा खत्म भी कर दिया जाएगा बट जितनी तारीफ करो मॉडल की बट उससे भी ज्यादा सोल वाइपर जो आया है अपनी टीम के लिए फरिश्ता बन के बचाया है अपनी टीम को प्लेयर्स को रिवाइव किया उसके बाद प्लेयर्स को खत्म करा पीटीसी के दो प्लेयर को नॉक किया एंड दैट्स इट दैट्स हाउ यू गिव सपोर्ट टू एंड सोल वाइपर प्लेड